खबर मुरादाबाद से। बदमाशों ने किया स्कूटी सवार पर तमंचों से हमला। मुरादाबाद पुलिस के कार्रवाई न करने पर एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन का बताया जा रहा है आरोप। आरोप है कि सरफराज पुत्र वाहिद हुसैन निवासी मिलक भोला सिंह रात्रि के 8 बजे मऊ लाइन पार अपने ऑफिस को बंद करके अपने घर जा रहा था कि रास्ते में नन्हे के आवास के पास पहले से ही घात लगाए खड़े 2 अज्ञात बदमाशों ने अवैध हथियारों के साथ फायर चला दिया। गनीमत ये रही कि फायर शरीर के पास से होते हुए स्कूटी में ही जा लगा, जिससे सरफराज की जान जाते जाते बची। मौके पर सरफराज घबराकर जमीन पर गिर गया। घटना को देख इकट्ठा लोगों ने 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने मामला थाना सिविल लाइन में पहुंचाया। पीड़ित ने पहले से ही रंजिश चल रहे लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित को लगा कि पुलिस उसकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो मजबूरन पीड़ित ने एसएसपी मुरादाबाद से इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि पीड़ित को कब तक इंसाफ मिलता है। घटना है मेरे साथ जो रात 8 बजे हुई है। क्या हुई है? अपने ऑफिस से घर जा रहा था। अच्छा, तभी बीच में 2 लोग आए जिन्होंने मेरी स्कूटी को फायरिंग की। अच्छा, करीब 8 बजे का टाइम था रात जी। फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल की, वो लोग मुझे थाने ले गए जी। थाने ले आकर लगभग 12 बजे तक कौन लोग थे फायरिंग करने वाले आप पर, आप उन्हें जानते हैं? मेरी रंजिश चली आ रही है 3-4 महीने पुरानी। क्या रंजिश चली आ रही है? फ्लोटिंग पर थम्बों के बारे में, ट्रांसफार्मर में लगवाया था हमने, उन लोगों से मेरी रंजिश चली आ रही है जी। कौन लोग थे वो? नाजिम वसीम दोनों भाई हैं और सनौत जो है 9 से 9 के रहने वाले हैं। वो लोग जी दबंग लोग हैं वो। अच्छा, वो काम करते रहते हैं और रात 12 बजे तक मुझे सिविल लाइन थाने में बिठाया गया। टेक्निकल मेरा हाथों में फिंगरप्रिंट दिए गए, उसके बाद बोले वो आप घर चले आओ, हम जांच करते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं। और आपको हवालात में बिठा लिया था? उन्होंने हवालात में बिठा ला, उन्होंने भेज दिया था टेक्निकल मुआयना करने के बाद जी। इंस्पेक्टर साहब ने बोला घर चले। जाँच हुए हो? मैं एसएसपी साहब के यहाँ आया हूँ। रात को कोई 12 बजे तक कोई कार्रवाई की नहीं, रात से शायद आप कार्रवाई करी हो जाए, उन्हें वो जांच के आदेश दिए हैं तत्काल में जी। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट, JK News।